अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो उसका पहला कदम मेरी नजर में है अच्छी संगत। क्योंकि देखिए, भगवान को शायद हम पर इतना भरोसा नहीं था, इसलिए भगवान ने सब कुछ करके दिया है। संगत में कई लोग आते हैं, परिवार इत्यादि, तो भगवान ने सब कुछ दिया। परिवार हमारे हाथ में नहीं है कि कौन से माता पिता मिलते हैं आपको, भाई बहन कैसे मिलते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हम सफर भी देखिए, अब कितना भी अपने मन से कर लो, बातें तो यही कही जाती है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। जो लिखा है वो तो मिलेगा, दुख लिखा है तो किसी के साथ भी जाओ दुखी मिलेगा, और सुख लिखा है तो किसी के साथ भी जाओ सुखी मिलेगा। तो ये बातें कही गई है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती, तो चलिए ये भी हमारे हाथ में नहीं हुआ। अंत में कौन सा रिश्ता बचता है? दोस्त। सिर्फ दोस्त ऐसे हैं जिनको हम देख परख कर चुनते हैं, सिर्फ अकेले दोस्तों को, बाकी सबकी सबका इंतजाम भगवान ने करके रखा है। तो ऊपर जाओगे, भगवान कहेंगे एक तो काम दिया था मैंने तुमको, सिर्फ एक काम, तुमने वो भी ढंग का नहीं किया, अच्छा लगेगा? एक काम दिया भगवान ने, हमने वो भी अच्छे से नहीं किया। एक मित्र तो हमको भगवान ने बस ढूंढने बोले थे, हमने वो भी अच्छे नहीं ढूंढे, और फिर भगवान से कहेंगे कि भाई हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो भगवान कहेंगे जिन लोगों के बीच रह रहे हो वही अच्छे नहीं है। तो जीवन में अब एक बात बताइए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जिनके जीवन का मूल मंत्र ही है कि मजे करना, एक ही तो जीवन है, आराम करो, घूमो फिरो, तो फिर वही होगा। क्योंकि घूमना फिरना कब तक करोगे? जब तक पिता पैसे दे पा रहे हैं, जब उनके पैसे खत्म तब, क्योंकि जिस समय तुमको मेहनत करनी चाहिए तब तो तुम पैसे उड़ा रहे थे, फिर जब खुद के पैसे उड़ाने का समय आता है, क्योंकि समय तो भगवान वो भी देंगे, भगवान कहते हैं अच्छे से कमाओगे तो एक उम्र आएगी जब तुम भी अपने पैसे उड़ाओगे। कहते हैं कि पिता के पैसों पर क्या घमंड करना, पिता के पैसों पर क्या घमंड करना, घमंड तो वो हो कि पैसे आपके और पिता घमंड करे, ये घमंड करना ही है, तो ऐसा करो ना। उम्र होती है हर चीज की, विद्यार्थी जीवन माना गया सिर्फ पढ़ाई और मेहनत के लिए, उसके बाद पैसे कमाए अपने मन से, जहां मर्जी वहां उड़ाओ, खूब आनंद लो। लेकिन जब असल में आनंद लेने का समय आता है तब हमारे पास, क्योंकि उससे पहले पढ़ने के समय बड़े आनंद ले लिए हमने, तो भगवान कहेंगे भाई दोनों हाथों में लड्डू तो मिल नहीं सकते, हो गए तुम्हारे आनंद के दिन खत्म। फिर जिस समय हम उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे जो दिन भर पढ़ते थे काम करते थे, पता चला वो हमसे बड़े आगे निकल गए। इसलिए जिस वक्त जो काम सही है वो करो, गलत समय में गलत काम करोगे तो परिणाम तो अच्छा नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अपनी संगत अच्छी रखिए, ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो खुद जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में भी ऐसे ही ख्याल आने लगे कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ बनूं, ऐसे क्या बैठा हूं मैं खाली। वो तभी आएगा जब ऐसे लोगों के बीच बैठोगे।